वायरल हुई भी है और बहुत एस्थेटिक अस्सलाम है। वालेकुम एवरीवन। तो जी मैं आज शूट कर रही हूँ दराज हॉल, और पहले मैं जरा अपना कैमरा सेट कर लूँ। अच्छा जी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं खोल ली। हुआ मेरे साथ कुछ ऐसे कि जब मैं वीडियो बना रही थी, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई और मेरी जो वीडियो थी फुटेज वो सारी ज़ाया हो गई। अब वो एक लंबी स्टोरी है, तो वो मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दोबारा से दिखाने लगी हूँ, जो कि मैं अनबॉक्स कर चुकी थी, बट नेवर माइंड। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी वैक्यूम क्लीनर जो मैंने अभी अनबॉक्स किया है, और ये बहुत अच्छी चीज है, और इसके साथ आपको कोई किसी किस्म की वायर नहीं चाहिए। आप इसको चार्ज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको यूज़ कर कर ही इसकी जो है वो रेटिंग दूंगी। ठीक है, ये हो गया जी। और इसके साथ, और मैं आई फॉरगॉट, इसके साथ ये ब्रश भी है। ठीक है, ये नोजल है और ये ब्रश है। उसके बाद जो दूसरा अच्छा, आइटम है और मुझे बहुत पसंद आया, ये रैक है। इसको आप दीवार पे या अपनी किसी भी क्लॉजेट पे, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कपड़े हैंग करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जी लेस मैसी लगे, तो आप इसको वहाँ पे लगा सकते हैं, और जब आपने कपड़े हटा लिए तो आप इसको बंद करते हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये बहुत यूज़फुल और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, तो मैं ऐसे और मंगवाने जा रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रस्ट प्रूफ है, इस पर पाउडर कोटिंग हुई हुई है, तो क्वालिटी वाइज इट इज़ अमेजिंग। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये हुक्स जो मैंने मंगाए हैं, एस हुक्स। और ये मैंने क्यों मंगवाए हैं वो मैं आपको बताती चलूं। वो मैंने इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने रखी हैं और काफी सारी चीजें अनबॉक्स कर चुकी थी, बट नेवर माइंड, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्योंकि ये मैंने ग्रिड्स मंगवाए थे, मैंने पहले भी मंगवाए थे लेकिन मैंने किसी को दे दिए थे। तो ये ग्रिड्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्रिड्स हैं, वाइट मुझे मंगवाने थे। मुझे यूजली वाइट चीज़ें पसंद आ रही होती हैं, ग्रे पसंद आ रही होती हैं, तो इसके ऊपर मैंने चीज़ें हैंग करने के लिए कि हुक साथ में मंगवाए हैं, और ये वैसे भी काम आ सकते हैं कई जगह पे। बड़ी यूजफुल सी चीज़ है, हो नोट्स लगाने हो, इसको डेकोरेट करना हो कुछ, यू नो, अपने रिमाइंडर्स आपको लिखने हो, एफर्मेशंस लिखनी हो, लगानी हो, तो उसके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो ये रहे मेरे ग्रिड्स और उनके हुक्स। अच्छा, ये है ये जो है बेसिकली आयरन स्टैंड का कवर है, और ये बहुत अच्छा कवर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी थिक है और सॉफ्ट सा है, मुझे बहुत पसंद आया। यू नो, यूजली ये होता है कि आयरन स्टैंड आपका घर में होता है, आप उसको फोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त वो ऐसे ही पड़ा रहता है कई दिन और बहुत अजीब सा लग रहा होता है। ये बहुत अच्छा कवर मुझे लगा, मतलब 10 out of 10 मैं इसको दूंगी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। उसके बाद हैं ये दो मैट्स, इससे कि पहले भी मेरे पास थे, मुझे पर्सनली को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ये लीफ वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, और मुझे अपनी कमरे में बेड साइड टेबल्स जो हैं उसके लिए चाहिए था, तो यू नो, काफ़ी स्क्रैचेस पड़ रहे थे, तो मैंने फिर ये मंगवाए। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इसको भी मैं 10 on 10 दूंगी। और अब ये, इसको मैं आपको पॉट में लगा के दिखाऊंगी। ये पहले भी मैंने मंगवाए थे, आर्टिफिशियल हैं लेकिन बहुत प्रिटी हैं, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो मेरे गेस्ट रूम है उसके जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इसी तरह का है, तो मैंने इस कलर में मंगवाए हैं ये, और इनको मैं वेस्ट के अंदर लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कैसे लग रहे हैं। और ये डेफिनेटली मैं इसको भी 10 out of 10 दूंगी और मजीद कलर्स ये में भी भी, अब हम बल्कि मंगवाऊंगी। अनबॉक्स भी करते हैं। हाँ, ये मैं कर अच्छा, चुकी हूँ। ये जो है, ये चीज़ आपने देखी होगी आजकल जगह जगह जो है ये वायरल हुई हुई है और बहुत एस्थेटिक है। ये मैंने दराज से मंगवाए, बहुत रीजनेबल मिले, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या निकलेगा, काफी अच्छी चीज है। इसका ये चीज बहुत ज्यादा डीप नहीं है, तो इसमें आप कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं डाल सकते, और शेप भी इसका ऐसा है कि आप नेचुरली कोई लंबी चीज इसके अंदर आप नहीं डाल सकते, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, आप इसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ लगा सकते हैं, और ये बहुत एस्थेटिक लगते हैं। पहले मैं इसको डेकोरेट करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं डेकोरेट होके। मैं आपको दिखाती हूँ ये क्यूट स्टैंड्स, स्टैंड्स ही कहेंगे इनको, ये इतने क्यूट हैं, ये मुझे दराज पर नजर आए तो मैं रिजिस्ट नहीं कर सकी, और बहुत रीजनेबल से थे, तो ये जब आए हैं आज तो मैं तो खुशी हो गई हूँ इनको देख के, बिकॉज द क्वालिटी इज अमेजिंग, मतलब
10 out of 10 अभी दे रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेचुरल वुड है, सॉलिड है, और कुछ भी रख सकते हैं, पॉट्स हो गए या कोई भी इस तरह का शो पीस, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और 10 out of 10 फॉर श्योर. अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और बहुत खूबसूरत चीज़, मतलब ये वो चीज़ें हैं कि मैं देख के ना खुश हो गई, मुझे लगा कि यार वाकई दराज जो है ना वो दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है और वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लेकर आ रहा है और क्वालिटी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं. ये कैंडल स्टैंड्स हैं और आप देखें कितने खूबसूरत हैं, और ये बिल्कुल वुड है, सॉलिड वुड है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मतलब ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं. और अब मैं इनको डेकोरेट करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये डेकोरेट करने के बाद कैसे लगते हैं. इसके अंदर क्या है, मतलब चीज़ें आ रही होती हैं और आपको याद नहीं होता है, और फिर मैंने ये 2-4 दिन से आ रही थी चीज़ें, मैं जमा करती रही, मैंने नहीं देखी, मैंने कहा एक दफा ही जो है मैं जब रिकॉर्डिंग करूंगी तो और बनाऊंगी तभी खोलूंगी. कुछ चीज़ें मैंने खोली नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही थी और वो बस बीच में पता नहीं क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आया और मेरी पूरी मेहनत जो है उस पर पानी फिर गया. लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे और उसको लाइक करेंगे तो मुझे दुख नहीं लगा. मैं आप लोगों को बता दूं मैं जो हूँ ना क्लीन फ्रीक हूँ, मेरे घर में आपको तरह तरह के मॉप्स नजर आएंगे, तो मुझे सफाई का बहुत ज़्यादा है और मैं खुद भी सफाई करती हूँ और मेरे जो सर्वेंट्स हैं उनको होता है कि यार बाजी छोड़ दें मत करें, लेकिन जब तक मैं खुद ना हाथ लगा लूँ ना सफाई ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता. तो मैंने ये ब्रूम मंगाया है, ये 3-in-1 है, मॉप भी है, आई थिंक ये वाइपर है, और इसको हम असेंबल करते हैं. सबसे पहले तो ये इसमें जाएगा, और टू बी ऑनेस्ट ये अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं. अच्छा ये तो यूँ लग जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा टाइट नहीं, ठीक है आई थिंक. अच्छा ये वाला जो पार्ट है हम इसको इसके साथ इस तरह से अटैच करेंगे. ये जो है इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया था, और ये फ्लोर कुशन है जो कि मैंने मंगवाया, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे और जो रिव्यूज़ थे वो वाकई सही थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी इसकी स्टिचिंग है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है मुझे ये, और कलर कॉम्बिनेशन इज़ ग्रेट, मतलब मेरे घर में यू नो मेरे जो काउचेज़ हैं वो एग्जैक्टली इसी कलर के हैं, तो बैठ के देखते हैं कि वाकई कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि लग तो काफी कंफर्टेबल है. मैं इसे बैठी हूं और देखती हूं, नॉट बैड, काफी कंफर्टेबल है, तो इसको आई थिंक मैं 10 out of 10 दूंगी, बिकॉज़ इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल भी है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, और अब शायद मैं एक दो और मंगा लूं, बिकॉज़ मैंने ये सोचा था कि पहले मैं एक ऑर्डर करती हूं, अगर एक अच्छा आया तो फिर मैं एक और मंगाऊंगी. एक्चुअली दराज का नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि ये इन सारी चीजों पर था तो मैं इसको भी खोल लूं, तो इसको मैं खोल चुकी हूं, और ये मुझे पता है क्या है, ये मैंने जो है मंगवाया था वॉफल ब्लैंकेट, तो ये बड़े काम की चीज़ है, इसको मैं अपने लिविंग एरिया में यूज़ करूँगी या बेड पे यूज़ करूँगी, इसको आप एज अ ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज अ थ्रो भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी स्टाइलिश लगता है. तो आइडिया से ही मैंने ऑर्डर किया था, तो मैं खोल के बल्कि आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आइडियाज़ की जो चीज़ है ना राइम हो गया, आइडिया है कि आइडियाज़ की जो चीज़ें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो वो तो आप आँख बंद करके ले सकते हैं, उनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है. तो ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ऐसा है कि समर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ये काफ़ी वॉर्म लेकिन कॉटन है, आप इसको एज अ थ्रो यूज़ करें, आप इसको एज अ यू नो ब्लैंकेट यूज़ करें, आपकी मर्जी है. टेबल्स तो आपने देखी ही होंगी, बहुत पॉपुलर हुई हुई है, मैंने पहले भी मंगवाई थी, मैंने दोबारा ऑर्डर की है गेस्ट रूम के लिए, और ये बहुत क्यूट सी है, इसका टॉप है कि निकल जाता है और आप इसके अंदर जो है कुशन्स रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, छोटी सी क्यूट सी टेबल है. मैं डेकोरेट करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी. मुझे छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक है, डेकोरेशन पीसेज हो गए, घर की यू नो दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो मैं बाय कर रही होती हूँ, तो ये भी एक मैंने चीज़ बाय की है, ये आप देख सकते हैं, ये डियर्स हैं और गोल्डन कलर के, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत स्टाइलिश लगते हैं, वेरी क्यूट और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं. और अब आखिरी की 2-3 चीज़ें रह गई हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, एक बड़ी अपनी फेवरेट चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये मैंने 2-3 दिन पहले अनबॉक्स कर ली थी. ये टेबल है और ये वुड का बना हुआ है, प्योर वुड है, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा ये टेबल है,
इसका ये मैंने ऑर्डर किया और ये मुझे इतना पसंद आया बिकॉज इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन यूजली होता यह है कि ये जो इसका स्टैंड होता है ना, क्योंकि मैंने कई दफ़ा इस तरह के टेबल्स मंगवाए और उनके स्टैंड्स प्रॉब्लम करते हैं, तो आपको इनको खुद अच्छे से फिक्स करना पड़ता है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपको कारपेंटर को बोलना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर होल्स करें और फिर इनको अच्छे से फिक्स कर दें, क्योंकि ये अगर सही से फिक्स नहीं होंगे तो ये गिर सकती है इसके ऊपर जो भी चीज़ हो। तो ये मेरा बहुत पसंदीदा जो है ना ये स्टैंड है, इस पे आप कोई भी पॉट रख दें, प्लांट रख दें। अच्छा अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले मैं तेजी से निपट लूँ, इनको प्यार आ गया है, इनको कॉल आ गया है, कॉल आ गया है, कॉल आ गया है, लो ये अल्लाह, नमाज पढ़नी है। और अब ये तीन ट्रेस का सेट मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने दराज से लिया है, और इरादा था इनिशियली कि जब मैंने ये ऑर्डर नहीं की थी कि मैं इनको पेंट करूंगी, लेकिन ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगी है तो मैं इनको ऐसे यूज करूंगी। इसको भी मैं 10 out of 10 दूंगी फॉर श्योर। तो मैं आपको एक ट्रॉली दिखाऊंगी विच इज अ लैपटॉप टेबल, आप उसको किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, बट इतनी कोई कमाल की और काम की चीज है, बिकॉज मैं इस पे खाना भी खाती हूँ, मैं इस पे अपना लैपटॉप रख के काम भी करती हूँ, इसके अंदर मैंने चीजें भी रखी हुई होती हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप जब लेंगे ना तो आप बोलेंगे यार जिंदगी आसान हो गई। तो आप लोगों को दिखाती हूँ ये टेबल, क्योंकि ये टेबल दिखाना बहुत जरूरी है। ये टेबल जो है ना, ये मेरी फेवरेट तरीन टेबल है, फेवरेट तरीन। दूसरी तरफ घुमाती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये टेबल, ठीक है? तो जी ये है वो टेबल जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी, ये मेरी फेवरेट तरीन चीज है। अगर मैं कहूँ कितने सालों में दराज से जो मैंने सबसे अच्छी चीज बाय की है तो वो ये है, और प्रैक्टिकल है और बहुत यूजफुल है। तो ये तो मैं सजेस्ट करूंगी कि सबके पास होना चाहिए, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ये था आज का दराज हॉल, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, और बहुत सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बेल आइकन है ना उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरे चैनल के हवाले से अपडेट्स आती रहे। थैंक यू, बाय बाय।